हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों PGCIL की मास्टर वीडियोस की सीरीज़ में NR फर्स्ट की जो वीडियो थी वो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने बताया कि NR फर्स्ट में जो लास्ट रिक्रूटमेंट थी, जिसका एडवर्टीजमेंट 9 दिसंबर 2022 को आया था और 5 मई 2023 को जिसका एग्जाम हुआ था। दोस्तों उसका जो उस वैकेंसी में NR फर्स्ट में जितने लोगों ने अप्लाई किया था, कट ऑफ कितनी गई थी, सभी चीज़ों के बारे जो मास्टर वीडियो थी वो ऑलरेडी कल रात में अपलोड हो गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, PGCIL NR फर्स्ट मास्टर वीडियो से नाम से। अब इस वीडियो में दोस्तों ये NR थर्ड की मास्टर वीडियो है। अगर आप PGCIL NR थर्ड रीजन में अप्लाई किए हैं या अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, अप्लाइड कैंडिडेट कितने थे, कितनी कितनी वैकेंसीज थी, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों पावर ग्रिड PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की हमारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी रनिंग है और फुल लेंथ जो पेपर फर्स्ट जो फुल लेंथ टेस्ट वन है दोस्तों वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी कैंडिडेट इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो जरूर इसे अटेम्प्ट करें। इसमें अटेम्प्ट करने में एक फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिकल डोज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 16 दिसंबर तक रात में 12 बजे तक जितने भी कैंडिडेट्स इस पे फुल लेंथ टेस्ट पेपर को फर्स्ट को अटैम्प्ट करेंगे उसमें से टॉप 5 जिनकी टॉप फाइव रैंक रहेगी दोस्तों उन्हें हमारे ईयरली पास में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50% का डिस्काउंट जैसे ही आपकी रैंक आपकी जारी की जाएगी, टॉप 5 कैंडिडेट को मैसेज करना होगा इलेक्ट्रिकल डोज के एप्लीकेशन पे और वहाँ से आपको कूपन कोड अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम PGCIL NR थर्ड की जो मास्टर वीडियो उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग को ये डाउट था कि सर आप जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल का बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने NR फर्स्ट के रीजन में भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल सभी के लिए बताया था, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए NR थर्ड में सबसे पहले बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पोस्ट कोड है ये 224 है, जिसमें टोटल 15 वैकेंसियाँ थी, जिसमें UR की 8, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 15 वैकेंसियाँ टोटल थी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 5 वैकेंसियाँ थी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसियाँ थी। देखिए पोस्ट कोड 224 है इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए 223 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 222 पोस्ट कोड है। ये हो गई बात टोटल ऑफ वैकेंसीज की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों NR थर्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, कितने कितने लोगों ने अप्लाई किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 224 जो पोस्ट कोड था दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था जो 224 पोस्ट कोड है वो NR थर्ड के इलेक्ट्रिकल का पोस्ट कोड है, ठीक है, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। देखिए अब 224 पोस्ट कोड में टोटल 15 वैकेंसियाँ थी, इसमें देखिए जो जनरल की वैकेंसी थी उसमें 241 लोगों ने अप्लाई किया, OBC में 887 लोगों ने, SC में 630 लोगों ने, ST में 55 और EWS में 121, 1934 फॉर्म आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए NR थर्ड में। इसी तरह अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो टोटल 3 वैकेंसियां थी जिसमें 1363 फॉर्म आए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसियां थी जिसमें आप देख सकते हैं 316 फॉर्म आए हुए हैं। तो ये टोटल एनालिसिस रहा टोटल अप्लाइड कैंडिडेट का, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने आपको पोस्ट कोड के हिसाब से बता दिया, तो आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी रही थी। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं जिसका पोस्ट कोड 224 है। देखिए यूआर की जो कट ऑफ थी वो 63% थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे पिछले वीडियो में कि सर परसेंटेज में नंबर निकाल के बता। देखिए दोस्तों इतने लोग का नंबर निकाल के बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 5 से 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी। आपको जिस भी कैटेगरी में, आप एक कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, चाहे UR के लिए चाहे OBC के लिए, और एक ही रीजन में अगर अप्लाई करेंगे तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे अगर आपका 63% कट ऑफ गई है तो सिंपली आपको 170 × 63.38/100 ये करना है, ठीक है, नॉर्मल सा एक कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं आराम से। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि UR के लिए 63% कट ऑफ गई, OBC के लिए 61%, SC के लिए 56%, ST के लिए 32%, OWS के लिए 61%। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग के लिए NR थर्ड में UR के लिए 60% कट ऑफ गई है, ST के लिए 46%, OBC के लिए 58%, OWS के लिए 58%। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, UR के लिए 53% और ST के लिए 49% कट ऑफ गई है। ये टोटल कट ऑफ रही है दोस्तों NR थर्ड रीजन में सभी ब्रांचेस के लिए, मतलब जितने ब्रांचेस की वैकेंसी थी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये फुल्ली एनालिसिस हुआ NR थर्ड का, और बाकी किस रीजन की आप और एनालिसिस चाहते हैं आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताइए। ये वीडियोज़ आपको कैसी लगती है, ये हमारा एफर्ट आपके लिए कैसा लगता है, बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आता है, मैंने सोचा एक मास्टर वीडियो की सीरीज ही स्टार्ट कर दिया सभी रीजन्स के लिए। और आप वीडियो की स्पीड 2.0 करके देखेंगे तो 2 से 3 मिनट में ये वीडियो भी देख लेंगे और आपकी जो क्वेरीज है, जो आपकी आकांक्षाएं हैं इन सब चीज़ों को जानने की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बता दिया, PGCIL फुल लेंथ टेस्ट वन ऑलरेडी लाइव हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे अटेम्प्ट करके इलेक्ट्रिकल डोज स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाइए, 50% ईयरली पास में डिस्काउंट पाइए, जिसमें आपको उसमें हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी, NHPC, SSC, JEE, DFCCIL, UPSC, LJEE, सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और PVC पेपर उपलब्ध है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।